हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूध के टैंकर की आड़ में गुजरात ले जा रही 40 लाख की अवैध शराब पकड़ी, आरोपी हुआ फरार। आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर सदर पुलिस ने नाकाबंदी लगाई, जिस पर पुलिस को एक दूध के टैंकर पर शक हुआ। टैंकर चालक ने नाकाबंदी तोड़ गुजरात की ओर टैंकर तेज गति से भगाकर ले जाने लगा, जिस पर पुलिस ने उसका पीछा किया। मावल के समीप दूसरी कड़ी बंदोबस्त को देख टैंकर चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे टैंकर हाईवे के डिवाइडर के ऊपर चढ़ते हुए गलत दिशा में जा पलट गया। पुलिस ने टैंकर की तलाशी ली तो उसमें से 300 कार्टून हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब मिली, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई है। वही मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी चालक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश को लेकर जगह जगह दबिश की जा रही है। हम जब रात को गश्त में थे शाम के समय, उस समय हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक गुजरात नंबर का दूध का टैंकर जो हरियाणा की तरफ से भारी मात्रा में शराब भर के आ रहा है। उस बात पर हमने अपने यहाँ हाईवे पर नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी हमको देख के एकदम ट्रक वाले ने तेज टैंकर वाले ने तेज गति से भगाया, फिर हमने उसको पीछा किया और आगे हमने नाकाबंदी के लिए कहा। लेकिन हमने जैसे पीछा किया, ट्रक वाला तेज भगाने के उसमें एकदम सामने से उसने नाकाबंदी देखते हुए एकदम मुड़ने का जैसे प्रयास किया, ट्रक रोड के दूसरी साइड में जाकर पलटी खा गया, जिससे उस पलटी खा गया। उस पलटी खाने के बाद उसमें से ड्राइवर जो था वो भग गया, और फिर जब हमने उसको पास में जाके ट्रक में देखा, ट्रक में पूरा शराब भरा हुआ था, पूरे टैंकर में जो दूध का टैंकर था। कितनी शराब है? करीब क्या वैसे 300 पेटी शराब था। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।